नमस्कार दोस्तों अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों सबसे पहले वीडियो के नीचे बने लाल बटन सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके घंटी बजा दीजिए और ऑप्शन में ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि व्रत कथा पूजा विधि वास्तु और पंचांग से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो दोस्तों संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है जो भी काम में रुकावट हो वो दूर होती है और घर में मांगलिक कार्य होते हैं दोस्तों भगवान वैसे भी गणेश तो ही तो है ही विघ्नहरता जीवन के हर दुख को हर लेते हैं और सुख करता भी है जिनको खुशियों से भर देती हैं इसलिए दोस्तों हर महीने की चतुर्थी को आपने गणेश जी का व्रत करना चाहिए पूजा करनी चाहिए साथ ही उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए दोस्तों गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की कथाओं को सुनने से अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है साथ ही सुनाने वाले को भी भगवान गणेश जी आशीर्वाद देते हैं दोस्तों कौन नहीं चाहता कि भगवान श्री गणेश की कृपा उनके घर परिवार पर बनी रहे दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि गणेश जी का आशीर्वाद जीवन भर आप पर बना रहे तो तुरंत ही कमेंट में जरूर से लिखें जय श्री गणेश दोस्तों आज इस वीडियो में हम सुनेंगे गणेश जी से जुड़ी तीन ऐसी ऐसी कथाएं जिनको सुनने मात्र से बिगड़े काम बनने लगते और हर मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाती है तो चलिए सुनते हैं सबसे पहली जो कथा बहुत ही प्राचीन है बहुत ही पौराणिक कथा है इस कथा के अनुसार एक बार देवता जो थे विपदाओं में घिर गए अपरि अपरिشانی में घिरे तो उन्हें भंक्स शंकर भगवान की याद आई और मदद मांगने पहुंच के शंकर भगवान के दरबार और जब देवता लोग पहुंचे तो वहां पर शिवजी के साथ कार्तिकी और गणेश जी भी विराजमान थे देवताओं की बात सुनकर शिवजी ने कार्तिकी और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों से तुम दोनों में कौन जो है वो देवताओं के कष्ट को दूर करना चाहता है तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को कार्य के लिए सक्षम बताया इस पर भगवान शिव जी ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए और दोनों को एक एक काम दे दिया और बोला कि जो सबसे पहले इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा कि आएगा वही देवताओं की मदद के लिए भी जाएगा जैसे ही कार्तिकेय ने भगवान के श्रीमुख से ही बात सुनी वो तुरंत ही अपने वाहन मोर पर बैठ गए और चलने निकले पृथ्वी की परिक्रमा करने वहीं गणेश जी ने सोचा कि अगर वो चूहे पर बैठ के पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो उन्हें तो सालों लग जाएंगे लेकिन कहते हैं ना गणेश जी के कान बड़े हैं वो सुनते भी अधिक हैं और उनका मस्तक भी बड़ा उनका दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज है इसीलिए दोस्तों वो अपने भक्तों की समस्याओं को भी चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं तो उन्हें इस समस्या का भी जो समाधान मिल गया बैठ गए चुपचाप और उपाय उनके दिमाग में था और गणेश जी अपने स्थान से फिर उठे अपने माता पिता की सात बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए और परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय ने स्वयं को विजेता बता दिया तब शिवजी ने गणेश जी से पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं गए परिक्रमा करने तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोग हैं मेरी तो पूरी दुनिया ही मेरे माता पिता है तो मैंने तो उनकी परिक्रमा कर ली और एक बार नहीं मैंने तो सात बार करी है यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा तो दी साथ ही उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि जो कोई व्यक्ति चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन करेगा रात को चंद्रमा को अर्घ देगा उसे तीनों तरह के जो ताप होते हैं देहिक देविक और भौतिक सभी तापों से मुक्ति मिल जाएगी और इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी दुख दूर हो जाएंगे और जीवन जो है वो क्यों से भर जाएगा चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि जो बढ़ेगी पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कोई भी कमी नहीं रहेगी इसलिए दोस्तों आपने भी चतुर्थी का व्रत जरूर से करना चाहिए रात को चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए भगवान गणेश जी के प्रिय मोदक और दुर्गा उन्हें इस दिन जरूर से अर्पित करनी चाहिए क्योंकि दोस्तों गणेश जी प्रसन्न होने से अपने भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं और हर काम को सिद्ध कर देते हैं इसीलिए उन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है दोस्तों इसलिए विघ्नहर्ता गणेश जी को बना लीजिए लगा लीजिए उनके नाम का जयकारा और इस वीडियो को आप शेयर वीडियो को आप शेयर जरूर से कीजिएगा कि कथा को शेयर करने से सुनाने से भी बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है तो चलिए सुन लेते हैं दोस्तों एक और गणेश जी की एक समय की बात है विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया और जैसे ही निश्चित हुआ विवाह की तैयारियां शुरू हो गई सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया तो सभी देवता अपनी पत्न, पत्नियों के साथ विवाह समारोह में एकत्रित हो गए सब ने देखा कि सभी देवी देवताएं तो वहाँ पर नज़र आ रहे लेकिन गणेश जी कहीं पर नज़र नहीं आ रहे तब आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या गणेश जी स्वयं ही नहीं आए क्या बात है तो जब सभी के मन में इतने सवाल उठे तो सभी ने सोचा क्यों भगवान विष्णु से ही जाकर पूछ लिया जाए कि गणेश जी क्यों नहीं आए तो विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने तो गणेश जी के पिताजी भोलेनाथ महादेव को न्योता भेज दिया है यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाए अलग से न्योता देने की क्या आवश्यकता है दूसरी बात यह है कि उनको कि उनको सवा मन सवामन सवा मन चावल सवा मन घी सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना अच्छा थोड़े नहीं लगता है इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि, कि किसी ने एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएँ तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी होना क्या था इतने में गणेश जी वहाँ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया बारात चल दी तब नाराज जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं तो वे गणेश जी के पास गए और उन्हें रुकने का कारण पूछा तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है नाराजी ने कहा अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगी जिससे उनके वाहन धरती में फंस जाएंगे तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी सेना ने जमीन पोली कर दी जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए जो थे वो धरती में फंस गए अब लाख कोशिश कर ले लेकिन पही है कि बाहर निकले नहीं सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए परंतु पहिए तो पही निकलने का नाम ही नहीं बल्कि जगह जगह से टूटने लग गए किसी के भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें क्या तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का जो अपमान किया ना वो अच्छा काम नहीं किया है यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और हो सकता है ये संकट भी टल जाए शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया तब कहीं रथ के पही निकले पहिए निकले अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे उन्हें सुधारे कौन पास के खेत में खाती काम कर रहा था उसे बुलाकर लाया गया खाती अपना काम करने के पहले सबसे पहले उसने गणेश जी को याद किया श्री गणेशाय नमः कहकर उसने गणेश जी की वंदना की प्रार्थना की उसने अपना काम शुरू किया और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न उनकी पूजा की होगी इसीलिए आपके साथ ये संकट आया है हम तो मूरख हैं अज्ञानी हैं फिर भी पहले गणेश जी गणेश जी को ध्यानते हैं उनका ध्यान करते हैं और आप लोग तो देवतागण हैं फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए अब आप लोग भगवान से गणेश जी की जय बोल कर जाएं तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई संकट नहीं आएगा ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ जो विवाह था सकुशल संपन्न हो गया और किसी भी तरह के कोई विघ्न बाधा अर्जन फिर नहीं आई हे गणेश जी महाराज अब जैसा विष्णु भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसा सबका करना दोस्तों जब भी कोई भी काम शुरू करें तो गणेश जी के नाम का जयकारा जरूर से लगाएं आप भी जरूर से बोले जरूर से बोलें जय श्री गणेश क्योंकि दोस्तों भगवान श्री गणेश को याद करते ही सारे काम जो है बनने लगते हैं साथ ही दोस्तों इस कथा से एक बात और पता चलती है कि गणेश जी द्वारपाल नहीं है उनकी तस्वीर मूर्ति को कभी भी अपने मेन गेट पर ना लगाएं दोस्तों जिस भी घर में गणेश जी को द्वार पर घर की तरक्की रुक जाती है गणेश जी को अपने घर में विराजित कीजिए उनकी पूजा कीजिए गणेश जी प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बरसेगी दोस्तों आप सुनते हैं गणेश जी की तीसरी कथा बहुत ही पौराणिक कथा है एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए परंतु इस खेल में हार में हार जीत का फैसला कौन करेगा ये प्रश्न उनके समक्ष खड़ा हो गया तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए और उसका पुतला बनाकर प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं परंतु तो हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और टा उसके भगवान शिव और पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया खेल तीन बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई अब खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा तो उस बालक ने महादेव को विजेता घोषित कर दिया अब यह सुनकर तो माता पार्वती पार्वती को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राव दे दिया बालक ने माता पार्वती से माफ़ी भी मांगी कहा कि मुझसे अज्ञानता वस ऐसा हुआ है मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया अब बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा यहाँ गणेश पूजन के लिए न्याय आएंगी उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो ऐसा करने से जो है तुम्हें हो सकता है गणेश जी की कृपा मिल जाए और कोई रास्ता मिले रास्ता मिले और यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश लौट गई एक वर्ष के बाद उस स्थान पर नागकन्या आई कन्याओं से श्री गणेश जी की व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिन यानी कि 21 चतुर्थी का व्रत लगातार किया और उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और बालक को मनोवांछित वर मांगने को कहा तो उस बालक ने कहा कि हे विनायक मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर रह सकूं और ये देखकर प्रसन्न हों तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए इसके बालक बाद बालक पर्वत पहुंच गया कैलाश पर्वत पहुंचने पर अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थी अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई और ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा प्रकट हुई तब तो माता पार्वती ने भी 21 व्रत गणेश जी के किए ध्रुआ फूल लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया और व्रत के इक्कीसवें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आकर मिले और उस दिन से ही गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य को समस्त सुख समृद्धियाँ प्राप्त होती है दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपको गणेश जी की तीन कथाएँ सुनाई पहली कथा से तो ये पता चलता है कि भगवान श्री गणेश के समान बुद्धि और चातुर्य कोई भी बड़ा नहीं यानी कि भगवान गणेश जी का दिमाग उनकी बुद्धि कौशल सर्वोपरि है दूसरी कथा से ये पता चलता है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का ध्यान जरूर से करना चाहिए और उन्हें भूल कर भी कभी द्वारपाल नहीं बनाना चाहिए और तीसरी कथा से ये पता चलता है कि भगवान श्री गणेश बड़े आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं उनकी पूजन अर्चन करने से व्यक्ति को हर मनोकामना जो है वो पूर्ण कर सकता है यानी कि हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणेश जी का व्रत और कथा जरूर से सुननी चाहिए और साथ ही दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर ज़रूर से कीजिएगा और भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए कमेंट में जरूर से लिखें जय श्री गणेश और दोस्तों गणेश जी के नाम से एक लाइक तो बनता ही है